नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुदेशक न्यूज। यूपी में अनुदेशक शिक्षा मित्रों को मिलेगा उनकी मेहनत का फल। साथियों, लेकर हम हाजिर हैं यहाँ पर शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण खबरें। एक साथ कई खबरें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए साथियों। एक कहावत है, गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, आप सभी पढ़े लिखे काबिल और आदर्श शिक्षक की श्रेणी में आते हैं। कहा गया है कि वक्त बहुत कुछ सिखा देता है और वक्त के साथ ही चलना सफलता की निशानी है। शुरू करते हैं आज का समाचार। कहो दिल से, योगी फिर से, ऐसी तख्तियां लेकर मुख्यमंत्री योगी के शपथ ग्रहण में पहुंचेंगे। शिक्षा मित्र अनुदेशक लाइव वीडियो में देखेंगे पूरा प्लान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की यूपी में प्रचंड बहुमत की सरकार बन चुकी है तथा मुख्यमंत्री योगी दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ 25 मार्च को लखनऊ में लेंगे, जिसमें शिक्षा मित्र अनुदेशक भी पहुंचेंगे तथा बधाइयां देंगे जीत की एवं कहो दिल से योगी फिर से तख्तियां लेकर पहुंचेंगे। अब देखते हैं कि ये अनुदेशक और शिक्षा मित्र माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और क्या योगी आदित्यनाथ जी इन अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को कुछ उपहार दे सकते हैं, समय बताएगा। लेकिन कहना है कि हम सभी को किसी से कोई वैर भाव या विरोध नहीं करना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए। यहाँ पर एक और समाचार आ रहा है बागपत से, प्रेमिका मास्टर न्यूज़ से ये सूचना वायरल हो रही है। बोर्ड परीक्षा तथा शिक्षा मित्र और निदेशकों के हवाले रहेंगे ये सिख स्कूल। अच्छी बात है दोस्तों, जितनी जिम्मेदारी आप पर मिलेगी आप और निखरते जाएंगे और मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। बागपत से समाचार आ रहा है, 24 मार्च से शुरू हो रही हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 676 शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है। बीएसए ने मंगलवार को शिक्षकों की ड्यूटी में संशोधन कराने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को सूचना भेजी थी। परिषद ने सूची में संशोधन किया नहीं है अब तक। अब बेसिक शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के हवाले सारी बेसिक की परीक्षाएँ हैं। यूपी बोर्ड में परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस बार कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से ऑनलाइन की गई है। परिषद की ओर से 100 से अधिक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का पूरा स्टाफ कक्ष निरीक्षक नियुक्त कर दिया गया है। प्राथमिक विद्यालयों की परीक्षा प्रभावित न हो इसके लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों की ड्यूटी में संशोधन कराने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक की सूची भेजी थी। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शिक्षकों की ड्यूटी में संशोधन कराने के बजाय 50 और शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई, यानी अब बेसिक शिक्षा विभाग के 670 शिक्षकों की ड्यूटी कक्ष निरीक्षक में लगाई गई है। उधर बेसिक स्कूलों में शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों व अन्य शिक्षकों का समायोजन कर वार्षिक परीक्षा कराई जाएगी, यानी कि कराई जा रही। साथियों, वो तमाम कार्य जो स्कूल से जुड़े हुए हैं उनको अब शिक्षा मित्र और अनुदेशक या कहें अन्य शिक्षक पूरा करेंगे। तो साथियों, ये खबर बागपत से आ रही थी। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बेसिक शिक्षा विभाग के 100 से अधिक विद्यालयों के पूरे स्टाफ की ड्यूटी कक्ष निरीक्षक में लगा दी है। अब बेसिक शिक्षा स्कूलों में शिक्षा मित्र अनुदेशक अन्य विद्यालयों के शिक्षकों को भेजकर परीक्षा कराई जा रही हैं। बागपत की तरह अन्य जिलों में भी अनुदेशक और शिक्षा मित्र स्कूलों की परीक्षाएं करा रहे हैं। यहाँ पर एक और समाचार है जिसे बेसिक शिक्षा न्यूज़ के माध्यम से लिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद शिक्षा मित्रों का भविष्य पूरी तरह होगा सुरक्षित। पढ़िए पूरी खबर और सोशल मीडिया पर फेक खबरों से रहें सावधान। ये कहा गया है, नई शिक्षा नीति लागू होते ही शिक्षा मित्रों का होगा स्थायी समाधान। साथियों, समाचार में बताया गया है कि नई शिक्षा नीति लागू होने पर संविदा पद समाप्त कर दिए जाएंगे, ऐसा है। लेकिन आप इसको ये ना समझें कि जो संविदा पर कार्यरत हैं
उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, नहीं, उनके लिए कोई ना कोई रास्ता, बीच का रास्ता खोजा जाएगा और उन्हें हटाया नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पर हटाने की खबरें चल रही हैं जो एकदम फर्जी हैं, फेक हैं साथियों, तो इनसे बचें। यहाँ पर प्री प्राइमरी में सरकार रख सकती है शिक्षा मित्रों को, ये समाचार आ रहा है, और हटाया नहीं जाएगा क्योंकि उन्होंने 20 वर्ष शिक्षा विभाग में सेवाएं दी हैं तथा शिक्षा मित्रों के रहते ही अधिकांश तक स्कूल चल रहे हैं। फिलहाल शिक्षा मित्रों का भविष्य न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा, कोई भी भार नहीं किया जाएगा। अनुदेशकों के साथ भी यही है, 9 वर्ष उन्होंने अपने समय दिया है बेसिक स्कूल में, जूनियर हाई स्कूलों में, और बच्चों के सर्वांगीण विकास में, तो उनको निकाला नहीं जाएगा, कोई ना कोई रास्ता बीच का निकाला जाएगा। यहाँ पर एक पंजाब से खबर है कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने पहले ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया था और कहा था कि हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको हम परमानेंट करेंगे। इसके लिए माननीय अरविंद केजरीवाल अमित शाह जी से दिल्ली में मिले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखकर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के 4500 कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की। केजरीवाल जी ने कहा कि ये नियमित मास्टर रोल कर्मचारी अपने नियमितीकरण का वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं। साथियों, प्रेरणा ले सकता है उत्तर प्रदेश केजरीवाल जी से और कर सकता है अपने कर्मचारियों को नियमित, लेकिन अभी भी सवाल बना हुआ है, क्या संविदा कर्मियों को उत्तर प्रदेश में भी नियमित किया जाएगा, क्या उनको उनके ही पद पर समायोजित किया जाएगा, इसको अभी सवाल ही माना जा सकता है। हल कब तक होगा ये वक्त बताएगा। एक सरकारी बयान के मुताबिक कर्मचारियों को नियमित करने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय में लंबित भी है। कर्मचारियों ने हाल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से समर्थन और मामले में हस्तक्षेप के लिए आग्रह किया था, तब जाकर उन्होंने गृह मंत्री जी से मुलाकात की है, यानी कि अमित शाह जी से मुलाकात की है कर्मचारियों को नियमित करने के लिए। तो साथियों, एक अच्छी खबर कह सकते हैं देश के लिए, समाज के लिए और पंजाब प्रदेश के लिए, अन्य प्रदेश भी प्रेरणा ले सकते हैं इस खबर से। केजरीवाल जी ने अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी, कहा कि मैं नई दिल्ली नगर परिषद के नियम मास्टर रोल कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए NDMC में ग्रुप सी पदों के भर्ती नियमों के अनुमोदन के मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। NDMC में ग्रुप सी पदों के भर्ती नियमों के मसौदे के अनुमोदन का प्रस्ताव 25 सितंबर 2020 को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया था। इससे पहले परिषद की 4 अगस्त 2020 को हुई बैठक में मंजूरी ली गई थी और इसके बाद संशोधित प्रस्ताव 16 अप्रैल 2021 को भेजा गया था। उन्होंने कहा कि NDMC में लगभग 4500 कर्मचारी हैं जो वर्तमान में RMR कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे हैं और नियमित कर्मचारी बनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरीके से ये प्रक्रिया पूर्व से चल रही है नियमित करने के लिए। केजरीवाल जी ने शाह को लिखे पत्र में कहा कि मामले की तत्कालिकता को ध्यान में रखते हुए अनुरोध है कि ग्रुप सी के मसौदा भर्ती नियमों को शीघ्र मंजूरी के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं ताकि इन RMR कर्मचारियों को NDMC की नियमित कर्मचारी बनाया जा सके। साथियों, आपने ये समाचार देखा और एक और समाचार यहाँ पर आ रहा है, पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के 35,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने और भविष्य के लिए राज्य में ठेका आउटसोर्सिंग सिस्टम बंद करने का जो फैसला किया है वह स्वागत योग्य है। अन्य राज्यों को भी अब संविदा की शोषण वाली व्यवस्था को तिलांजलि देनी चाहिए, अमिताभ अग्निहोत्री जी ने। स्कूल विद्यालयों में
शहीद दिवस पर भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को याद किया गया। अपने त्याग, शौर्य एवं बलिदान से जन जन में स्वाधीनता की अलग जगाने वाले माँ भारती के अमर सपूत, महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। आप सभी का सर्वोच्च बलिदान हम सभी को राष्ट्र सेवा हेतु सदैव प्रेरित करता रहेगा। बच्चों ने ब्लैक बोर्ड पर बनाया भगत सिंह का चित्र और उन्हें याद किया, शहीद आजम भगत सिंह को शत शत नमन किया। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।